लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए भारत इंग्लैंड मैच को मेजबान देश ने जीत लिया है। भारत ने 100 रन से जीत अपने नाम की। कप्तान रोहित शर्मा को अपनी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पर इस मैच में एक चीज जिसने सभी को हैरान किया वो था विराट कोहली का जीरो, यानी डक पर आउट होना। विश्व कप 2023 में अब तक विराट कोहली का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ विराट का बल्ला नहीं चला और वो 9 गेंद खेलकर बिना अपना खाता खोले वापस पवेलियन भी लौट गया। इस विकेट के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को पूरा पूरा मौका मिल गया। तमाम ट्रोलर्स जो हैं एक्टिव हो गए और इस विकेट को लेकर विराट कोहली का मजाक उड़ाने लगे। खासतौर पर इंग्लैंड की फैन आमी का नाम है बामी आमी, आप जानते ही होंगे ये ग्रुप हर मैच में इंग्लैंड टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान पर मौजूद रहता है। इस आर्मी ने अपने एक्स अकाउंट से विराट कोहली को ट्रोल किया। पोस्ट में पानी में तैरते हुए 2 बतख यानी डक की तस्वीर शेयर की। इसमें एक बतख की जगह विराट कोहली का चेहरा लगाया। हार्डकोर विराट फैंस के लिए ये गंदा जोक था, पर इंग्लैंड की बारी जिस तरह से बिखरी बामी आमी का पोस्ट उन्हें उल्टा ही बढ़ गया। मैडी नाम के एक यूजर ने विराट कोहली के ट्रोल करने वाली इंग्लैंड की फैन आमी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। मैडी ने ठीक वैसे ही 2 बतखों की तस्वीर में विराट कोहली की जगह इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक्स की तस्वीर लगा दी और लिखा, कर्मा का सिद्धांत है जैसे को तैसा। इंडिया की फैन आमी भारत आमी एक कदम आगे निकली। उसने इस क्लब में मार्क वुड को भी जोड़ दिया और लिखा, गुड नाइट। जो रूट जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर LBW आउट हो गए थे, जबकि 9 बॉल खेल चुके बेन स्टोक्स को मोहम्मद शमी ने डक पर चलता किया। वहीं मार्क वुड भी पहली ही बॉल पर शमी का शिकार हुए। इतना ही नहीं, मैदान पर भी ऐसे पोस्टर्स दिखे जिसमें अंग्रेजों को पूरी तरह से ट्रोल किया गया। एक पोस्टर में तो साफ लिखा दिखा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दरअसल आज़ादी के आंदोलन वाले इस नारे को भारतीय फैंस ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम से जोड़कर लहरा दिया। खैर, अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम का हाल बहुत बुरा है और वो विश्व कप 2023 की रेस से बाहर हो गई। भारत और इंग्लैंड मुकाबले से जुड़े तमाम वीडियोस आपको मिल रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स पर, और सिर्फ स्टूडियो से ही हम आपके लिए वीडियोस नहीं ला रहे, हमारी टीम ग्राउंड पर भी है। लखनऊ के मैदान के बाहर से भी ढेर सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे भाई, इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।